हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन, इंडियाज ओनली यूट्यूब चैनल वेर यू कैन फाइंड ऑल द पासपोर्ट एंड वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर। बहुत लोगों के मन में ये बात आती है कि अगर जाने अनजाने में उनसे जो है पासपोर्ट अप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते समय जब वो फाइनल सबमिट कर देते हैं और उनके पास जो एक्नॉलेजमेंट का लेटर आ जाता है, मतलब क्या कि जो उनके पास जो एक्नॉलेजमेंट लेटर आने के बाद जो कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, जो कि उसको फर्दर लेकर उनको पासपोर्ट ऑफिस जाना होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, कि क्या उसमें कोई किसी तरह का कोई करेक्शन कर सकते हैं क्या गाइस? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉमन है और बहुत सारे लोग जो हैं वो गलती कर देते हैं कुछ जब वो अपना पासपोर्ट ऑनलाइन फिल करते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र के जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है। ऐसे में जब वो फाइनल सबमिट करने के बाद जो एक प्रिंट आउट होता है जिसको एक्नॉलेजमेंट लेटर भी बोल सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेटर बोल सकते हैं, जिसको लेकर आप वहाँ पर एंट्री करते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र पर, ऐसे में जब वो प्रिंट आउट फाइनली जब निकालते हैं और देखते हैं यार यहाँ पर तो कुछ मिस्टेक हो गया, अब कैसे होगा क्योंकि मैंने वहाँ पर फॉर्म सबमिट कर दिया है और मैंने जो पैसे वो भी पे कर दिए हैं, ऐसे में उनको कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है करेक्शन करने का। और जो है वो ये सोचते हैं कि बाद में जब वहाँ पे मैं विजिट करूँगा अपॉइंटमेंट के टाइम पे जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होगा, क्या वहाँ पे एडिट करने का कोई ऑप्शन होता है क्या? सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है और क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर अगर पॉसिबल है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप पासपोर्ट के लिए एक फ्रेश या फिर रीइशू के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको हर एक लाइन हर एक कॉमन जो है हमेशा डबल चेक करना चाहिए। हर एक छोटा बहुत स्पेलिंग जो मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका जो सर नेम है, आपका एड्रेस है, क्योंकि पासपोर्ट गाइज यहाँ पे जो एक छोटा से छोटा माइनर मिस्टेक को भी वहाँ पे देखा जाता है। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स में जो होते हैं लाइक आधार कार्ड पैन कार्ड, वहाँ पे जो है डॉट कॉमा को उतना मायने नहीं रखा जाता है, लेकिन पासपोर्ट में गाइज मैं आपको बताऊँ कि एक छोटा सा डॉट, एक कॉमन सा, एक अगर बीच में अगर कुछ अल्फाबेटिकल अगर भी अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपको परेशानी का सामना है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, इसका जो रिक्रूटमेंट होता है वो काफ़ी मतलब कि गहन से होता है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय कुछ मिस्टेक कर देते हैं जो कि वेरी नहीं करता है, जो कि मैच नहीं होता है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, तो ऐसे में जो है 100% केस है कि आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको फिर से एक नया फ्रेश जो है आपको एप्लीकेशन करना होगा, और साथ साथ जो आपने पैसे पे किए हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए वो भी आपके पैसे डूब जाएंगे। ऐसे में गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनिशियली हमेशा जब भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें तो हर एक लाइन को हर एक कॉमन को डबल क्रॉस चेक करते हुए आगे बढ़ें, और यहाँ तक कि जब फाइनल सबमिशन का जो बटन आता है जहाँ पे सबमिट करने के बाद कोई गुंजाइश नहीं होती एडिट करने की, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले आप हर एक चीज़ को बारीकी से जाँचें। जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखें। अब सपोज करें कि आपके आधार कार्ड में जो है आपका जो है आप एड्रेस में जो है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जुट गया है जो कि आपका रियल एड्रेस नहीं है, तो आप सोचेंगे कि मैं इसको स्किप कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, तो गाइज आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपके जो भी एड्रेस प्रूफ में या फिर आईडी प्रूफ में जो भी डिटेल्स भरे हुए हैं, भले ही वो सही हो या फिर गलत हो, वो आपको एज इट इज़ भरने हैं। आपको खुद से अपने तरह से खुद कोई भी करेक्शन नहीं करना है। सपोज करें कि आपका जो एड्रेस है वो है अशोक नगर, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में अशोक नगर जो है, और इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो ASHOK अशोक, लेकिन आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका डबल ए हो गया है, डबल ASHOK, दोनों का मतलब जो है अशोक नगर ही निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ तक कि जो भी आपका स्पीड पोस्ट आएगा तो उसमें जो है डबल ए से कोई लेना देना है नहीं, और डाकिया जो है सीधे आपके घर पर ही आएगा। तो ऐसे में आप सोचेंगे यार कि यार यहाँ पे पास मेरे आधार कार्ड पे तो डबल ए है तो मैं क्यों ना इसको जो है सिंपली एक के वाली कर देता हूँ, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिंपली जो है आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो कि आपके पास अपना डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ, आपको एज इट इज़ ही भरना है। अपनी तरफ से यार कोई कलाकारी नहीं दिखानी है, क्योंकि वहाँ आपसे बड़े कलाकार बैठे होते हैं जो कि उनको बस एक बार में ही रिजेक्ट करना होता है, उनको उतना टेंशन है नहीं। तो बेसिकली गाइज अगर आपने एक बार जो है क्लिक कर दिया और आपका जो फाइनल जो प्रिंट आउट लेकर आप वहाँ पे
जाते हैं अपॉइंटमेंट के समय, वहाँ पे जो आपको रहेगा आपको सिर्फ वही दिखाना होगा। ऐसे में अगर एक बार आपने गलती कर दिया तो उसका कोई उपाय नहीं है, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ भी ऐसा कुछ सीन हुआ था और उसने भी जो है यही जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एड्रेस वाला, उसने भी खुद का कालाकारी दिखाते हुए सिर्फ अपने एड्रेस में ही छोटा सा एक मिस्टेक किया था, एक अल्फ़ाबेट को उसने स्किप कर दिया था और वहाँ पर जब उन्होंने उसका आधार कार्ड में देखा कि यार यहाँ पर एक स्पेलिंग ज़्यादा है और आपने डॉक्यूमेंट में अपने एप्लीकेशन में एक अल्फ़ाबेट कम किया है, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो पॉइंट नंबर वन यहाँ पे ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें कभी भी कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पोर्टल पे उनके वेबसाइट का जो डाटाबेस होता है वहाँ पे आपने जो है सेव कर दिया है, और ऐसे में जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उस डाटाबेस से मैच नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है आपका एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे इंसानों के हाथ में कुछ है ही नहीं, जब तक आप एग्जैक्ट वही चीज़ नहीं भरेंगे तब तक जो है वो आगे प्रोसेस होगा ही नहीं। जैसे कि आपने अगर आपका जो फेसबुक का पासवर्ड आपने शुरू में बनाते समय कुछ और डाला था और अब आप कुछ और डाल रहे हैं, जब वो मैच करेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप समझे कि ये इंसानों के हाथ में है ही नहीं, फुल्ली जो है ऑनलाइन है, फुल्ली डिजिटल है, तो ऐसे में यहाँ पे ह्यूमन का कुछ रोल होता नहीं है। और बिल्कुल मैं 100% आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर में कहीं से भी कोई भी करेक्शन नहीं होता है। बाई चांस अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो आपके 1500 रुपये डूब गए और आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन फिर से करना पड़ेगा। इसीलिए गाइज हमेशा जो है डबल चेक कर लें सारा डॉक्यूमेंट में जो भी आपका चीज़ें हैं, 1x1 करके अल्फ़ाबेटिक जो भी है कॉमा डॉट सारा कुछ मेंटेन करके चलें, तभी आपका जो है वहाँ पे जब आपका अपॉइंटमेंट होगा वहाँ पे सभी चीज़ें बिल्कुल सही से हो पाएंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय। दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।